दोस्तों आज हम माध्यक ज्ञात कर रहे हैं। स्वाध्याय 14.3 में वही चल रहा है जो अपना छिल्ली रीति चल रही है 14.3 की। दोस्तों 14.3 का ये चौथा सवाल है। इस सवाल की थोड़ी अगर आप खासियत देखेंगे तो 118 से 126 फिर यहाँ 127 आया। दोस्तों अभी तक मैंने अपने जितने भी सवाल देखे माध्य बहुलक सबके अंदर, तो दोस्तों आवृत्ति हमेशा सलंग आती थी। जैसे कि ये आप देख सकते हो 40 से 45, तो 45 से, तो यहाँ भी 45 से चालू होता है। दोस्तों अगर ऐसे सवाल का आपको माध्य ज्ञात करना हो, बहुलक ज्ञात करना, बिल्कुल सिंपल है। अगर दोस्तों इसका भी माध्य ज्ञात करना हो तो आप बिना कुछ किए सीधा सीधा माध्य ज्ञात कर सकते हैं, एक्स बार वाला सूत्र लगाकर। बहुलक ज्ञात करना हो तो बहुलक भी ज्ञात कर सकते हैं। परंतु दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर सवाल में कभी भी माध्यक ज्ञात करना हो तो ये अखंडित आवृत्ति नहीं, आवृत्ति वितरण नहीं चलेगा। ये अखंडित कहलाता है दोस्तों। अखंडित यानी दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 126 है, तो यहाँ 126 आना चाहिए था। बाकी माध्य यानी एक्स बार ज्ञात करना होता तो चल जाता, लेकिन अगर याद रखें अगर माध्यक ज्ञात करना है तो ये जो वर्ग है यहाँ जो पूरा होगा वही से चालू होना चाहिए। अगर आपने इसको डायरेक्ट पुरानी रीति के सवाल से कर दिया तो दोस्तों आपका एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों ध्यान से यहाँ देखना और समझना है मेरे को आपको। अगर कभी भी ये आवृत्ति ऐसा आता है माध्यक ज्ञात करते समय, तो ये ब्रैकेट आपको नया बनाना पड़ेगा। ये जो यहाँ पर 126 टूटा है और 127 से चालू हुआ तो नहीं चलेगा। इसके लिए क्या करना है आपको, आपको इसके अंदर पहली संख्या में हमेशा 0.5 घटाना है और इसमें 0.5 जोड़ देना है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इसमें 0.5 घटा के इसमें 0.5 जोड़ना है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं अपने, तो यहाँ ऐसा करने का एक ही कारण है कि जिससे पूरा होगा उसी से चालू होगा तो ही माध्यक ज्ञात कर सकते हो, नहीं तो नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने आप पर नया वर्ग आवृत्ति का ब्रैकेट बनाया हुआ है। आपको बोर्ड के एग्जाम में भी अगर ऐसा आता है, स्कूल में भी, तो आपको ये ब्रैकेट नहीं बनाना है, जो मैं बना रहा हूँ वही बनाना है। यानी दोस्तों 118 है, 0.5 घटाया तो 117.5 हो गया, इसमें 0.5 जोड़ा 126.5 आ गया, इसमें 0.5 घटाया 126.5 हुआ, 135 में 0.5 जोड़ा 135.5 आ गया, 135 में 0.5 135 नहीं सॉरी दोस्तों यहाँ पर 136 है, तो 136 में दोस्तों मैंने 0.5 जोड़ दिया, 135 में 0.5 135.5 144.5 144.5 0.5 जोड़ा 153.5, फिर 0.5 घटाया 153.5 से 162.5, फिर से 0.5 घटाया 162.5 से 171.5, 171.5 से फिर 0.5 इसके अंदर जोड़ दिया 180.5। आप ये वस्तु अगर भूल गए दोस्तों तो आपका ये सवाल एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। आवृत्ति तो वही की वही लिखनी है, 3, 5, 6, 12, 5, 4 और 2। सबसे पहले आवृत्तियों का जोड़ कर देता हूँ, 8, 14, 16, 21 और 5, 23, 21 और 4, 25 और 2, 27 के साथ ऐसे लगी 2, 37, कहीं गलती हो रही है, 2, 3, 5, 8, 14, 16, 16 और 9, 25, 2, 37। दोस्तों टोटल एक बार 37 आ रहा है मेरा। आपको ये सवाल मैंने थोड़ा सा बदल के दिया है, आप जब आपको होमवर्क दे रहा हूँ तो ऐसा ही सवाल है, लेकिन उसका टोटल अलग आएगा जिससे आपको जल्दी खबर पड़ेगी। दोस्तों एम ज्ञात करते समय सूत्र याद है मुझे, एम बराबर एल प्लस एन बट्टे दो माइनस सी एफ पूरे के बट्टे में एफ गुणे में एच। मैंने दोस्तों ये वर्ग आवृत्ति अलग आवृत्तियाँ अलग ली है, आपको जो सवाल दूंगा उसमें अलग होगा। सबसे पहले वही का वही, 3 का 3, 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 12 26, 26 और 5 31, 31 4 35, 35 और 2 37। एल एफ और सी एफ कैसे निकालना है, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। तो सबसे पहले एन का आधा किया, एन है 37, 37 का आधा हुआ, 37 का आधा अगर नहीं आता है भाग दे के देख लेंगे, 37 में 2 एक कम 2 बचा 1, 7 2 8 16 बचा 1 लगाया 0.0, 2 5 10 18.5। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले 18.5 के नज़दीक ये वाला वर्ग है, इसे एफ कहेंगे,
ये एल कहलाएगा, ये मध्यस्थ वर्ग कहलाता है दोस्तों, 144.5 से 153.5। अब दोस्तों खाली मूल्य और सी एफ जो है इसकी लाइन में ऊपर वाला ले लेने का, सी एफ ही आ गया है। एल की वैल्यू लिखी दोस्तों 144.5 प्लस एन बट्टे दो तो 18.5 इसका घटा चुका हूँ मैं, माइनस सी एफ की वैल्यू 14 बट्टे एफ की वैल्यू आई दोस्तों 12 गुणे हाइट। दोस्तों यो नहीं देखनी आपको, पुरानी वाली भी नहीं यही वाली देखनी है हाइट। हाइट में दोस्तों नहीं मालूम पड़े घटा लेने का, 126.5 में से 117.5 गया, 0.9 बचा दोस्तों, हाइट आई 9 की। 144.5 प्लस 18.5 में से दोस्तों मैंने 14 घटा दिया, 4.5 बट्टे 12 गुणे 9 बचा। यहाँ दोस्तों 103 से पहले कट रहा है, 3 तरीक का 9, 3 से गया 4 बार। 144.5 प्लस 4.5 गुणे बट्टे 4 गुणे 3, पॉइंट हटा के दोस्तों यहाँ 0 लगा दिया मैंने। आप कुछ कहाँ 5 से काट रहे हैं, 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 5 8 40 हो गया। 144.5 प्लस 9 3 27 बट्टे में आ गया 8। 144.5 प्लस 27 में दोस्तों 8 का भाग दिया, 27 में 8 का 8 3 24 बचा 3, लगाया पॉइंट 0, 8 3 24 बचा 6 0, 8 7 56 बचा 4 0, 8 5 40, 5 तो यहाँ 8 कर दिया दोस्तों, 3.38 आ गया। दोनों को जोड़ दिया, 144.5 प्लस 3.38, 0.38 3 0 8 8 7 4 1 147.88। दोस्तों ये मैंने जानबूझ के ऐसी संख्या ली जिससे आपको एक पॉइंट वाले थोड़े आइडिया आ जाए। आज आपको ऐसा ही यही सवाल एक दे रहा हूँ, खाली उसमें आवृत्तियाँ अलग है, आपको ऐसे ही वर्ग खुद सोच के बनाने होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।